गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एक्सटर्नल प्लास्टर का। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले एक्सटर्नल प्लास्टर करने से पहले उसकी लेआउट करनी पड़ती है हमें। जैसे उसकी लाइन में ये बिल्कुल जैसे डबक नहीं मारे, मतलब जगह जगह अप डाउन नहीं लगे। तो सबसे पहले लेआउट करते हैं हम। देखो ये लेआउट कर रखी है हम, ये बंदा काम कर रहा है इधर। ये देखो लेआउट कर रखी है ऐसे ही हमने लेआउट कर रखी है लाइन डोरी से। ये देखो जगह जगह लेआउट कर रखी। पहले ये सब हमने पूरा लेआउट कर लिया, उसके बाद में जाली जो चिकन मैश लगा रहे हैं, चिकन मैश हमारा लग रहा है। तो बाद में हम ये जो CSC का जो हमारा रूल है 25 mm लग रहा है आउटर में, एक्सटर्नल प्लास्टर। ये देखो अब इसका सबसे पहले ना लेआउट ज़रूरी है, उसके बाद में फोल्डिंग हमारी लगी चुकी है बंदे काम का, और एक्सटर्नल प्लास्टर है ये देखो बिल्डिंग का एक्सटर्नल प्लास्टर। तो दिखाता हूँ मैं जो लेआउट कर रखी है हमने, और चिकन मैस जो लगा रहे हैं। लेआउट करना ज़रूरी है, उसके बाद में मैच लगाना ज़रूरी है ताकि हमारा क्रैकिंग नहीं आए। उसके बाद में मेरा जब प्लास्टर चालू होगा वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में